रिमोट ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं, सीखो कमाओ योजना के अंदर लॉगिन दिखाने जा रहे हैं। लॉगिन के बाद कैसे आप किसी पोस्ट को अप्लाई करते हैं इसको दिखाने जा रहे हैं। ये अभी सीखो कमाओ पोर्टल एक नए रूप में अब दिखाई दे रहा है, आपको अप्लाई का डायरेक्ट बटन दिखाई दे रहा है। आप यहां से सर्च कर सकते हैं जो कंपनी या प्रतिष्ठान है, यहां से सर्च कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ यहां पे प्रतिष्ठान या कंपनी कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे जो अभी पोस्ट दिखाई दे रही हैं वो आईटीआई और ट्वेल्थ वाली पोस्ट दिखाई दे रही हैं। मुझे एक ट्वेल्थ वाली पोस्ट को अप्लाई करना है इसलिए मैं सर्च कर रहा हूं। देखिए नेक्स्ट पेज में जाना है मुझे, और नेक्स्ट पेज को क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। यहां नेक्स्ट लगता है, बस इस पेज में इतने ही पोस्ट हैं इसलिए नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा है। चलिए कुछ और सर्च कर लेते हैं। यहां पे हम डिस्ट्रिक्ट भोपाल डाल के देख लेते हैं। एक मिनट, पहले स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हम डिस्ट्रिक्ट भोपाल डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे रीवा केवल दिखाई दे रहा है, रीवा ही डाल लेते हैं और सर्च करते हैं। ये सर्च हो गया है। रीवा के लिए एक ही पेज की वैकेंसी है, तो यहाँ पे ट्वेल्थ के लिए ये एक प्रतिष्ठान है जिसका नाम है सीआरएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। 8000 सैलरी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी है यहाँ पर। इसे अप्लाई करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं होता है। हाँ, अप्लाई करने पर ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है, प्रिय अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के बाद आप अपनी पहले से अंकित की गई योग्यता को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि आप आवेदन करने के लिए आगे बढ़, ठीक है, इसको हम यस कर देंगे। अभी हम योग्यता एक बार परिवर्तित कर लेते हैं, फिर एक मतलब फिर आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। थोड़ा वीडियो को रोकना पड़ेगा। वीडियो को एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोका था क्योंकि पर्सनल डिटेल, जो व्यक्तिगत डिटेल थी, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग में हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, दो कोर्स हमें सर्च करना है इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है और रीवा मध्य प्रदेश में ऐड किया है। और भी ज़िले जोड़ सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ रीवा को जोड़ा है क्योंकि रीवा में ही सर्च करना है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये प्रोफाइल के अंदर की फ़ोटो है, आप देख रहे हैं लॉगिन के बाद ऐसा दिखाई देता है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल डिटेल आगे आ सकती है। अभी हमने प्रोफाइल में DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को ऐड किया है और उसके अकॉर्डिंग को जॉब को सर्च कर रहे हैं, लेकिन सीखो कमाओ योजना की साइट अभी करेंटली काम नहीं कर रही है जिस कारण से एक एरर आ रहा है। आपको दिखा देता हूं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक मैं, एरर आता है तब तक मैं आपको बता देता हूं। ये रिक्तियां देखें, ऑप्शन जो है यहां पर रिक्तियां खोजें, यहां से मैं इसको ओपन किए कर लिया हूं। इसके बाद आप आवेदन की स्थिति यहां देख सकते हैं कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, और यदि एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे आपको आमंत्रण की स्थिति दिखाई देगी। इस तरह का एरर आ रहा है, अभी आपको भी इस तरह एरर का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पोर्टल इतना शक्तिशाली नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, इसमें काम भी लगातार चल रहा है। तो हो सके तो आप रात को यदि फॉर्म भरेंगे तो आपका इजीली फॉर्म भर जाएगा। अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी मैं और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।